यही तो लगना चाहिए था तुम्हें, मैंने तुम्हें दिया ही क्या है सिवाय दुख तकलीफ आजमाइशों के, और तो कुछ नहीं दिया ना, और ऊपर से लाकर बंद कर दिया इस छोटे से एक फ्लैट में, यही कहती हो ना तुम? तो तुम एक काम करो, तुम उनके पास चली जाओ, मेरे जैसे झूठे इंसान के साथ रहना तुम्हारा बनता भी नहीं है। अरे मेरी तो रेप्यूटेशन ऐसी है कि मार्केट में सब कह रहे हैं कि मैंने अपने सगे चचा की बेटी पर इल्जामात लगाए हैं, दूसरों को पैसे देकर अपने बाप के कारोबार के खिलाफ साजिशें करता फिर रहा हूं मैं। मेरे जैसे घटिया कमजोर पर गिरे हुए इंसान के साथ तुम क्यों रहोगी? तुम जाना चाहती हो जरूर जाओ, लेकिन बच्चा हो जाने के बाद, ये मेरा बच्चा है, इसे मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। तुमने जहां जाना होगा चली जाना, रुकना चाहोगी रुक जाना, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। सब चले गए, सबके बगैर रह सकता हूं तो तुम्हारे बगैर भी, लेकिन अपने बच्चे के बगैर नहीं रहूंगा मैं, याद रख। शिफा, शिफा मेरा बच्चा, शिफा। जफर क्या बात है, ठीक है आप? हाँ ठीक हूँ, बस मुझे लगा कि शिफा रो रही है। अल्लाह ना करे ऐसा हो। शिफा अपने शोहर के साथ बहुत खुश है। इधर देखें, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो खुद जाके मिल लीजिएगा उससे। हाँ मैं मिलूंगा उससे। अच्छा चले सो जाइए, पानी लाऊं आपके लिए? नहीं नहीं ठीक है। थैंक गॉड कि सब कुछ इतना परफेक्ट हो गया, वरना वरना आपको पता है कि मैं कितना डर गई थी कि कहीं वो मुदस्सिर अपना मुंह ना खोल दे। ऐसे कैसे मुंह खोल देगा, पल भर में उसका अकाउंट यहां से यहां पहुंच गया। लेकिन हमने आगे एहतियात करनी है। कम ऑन डैड, हर वक्त आप लोग मुझे एहतियात करने का क्यों कहती? कभी कभी आप लोग चाहते हैं कि सब कुछ एक लम्हे में हो जाए, और दूसरी तरफ आप लोग मुझे कहते हैं कि एहतियात करो। चाहते क्या हैं आप लोग मुझसे? मेरी जंगली बिल्ली, जो कुछ तुम वहां कर कर आई हो, उसके बाद बोर्ड मेंबर में किसी भी इन्वेस्टर को घुसाना बहुत मुश्किल है।
हाँ तो छोड़े ना फिर, हमें इन्वेस्टर की जरूरत क्या है? जैसा मैं चाहूंगी बड़े बाबा वही तो करेंगे, वो मेरे कहने पे चल लेंगे। और वैसे भी ऑन बोर्ड जो इन्वेस्टर्स हमारे पास हैं, हम उनमें से क्यों नहीं किसी को खरीदते? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तमाम लोग मुख्तार साहब के बहुत भरोसे के, वो कभी नहीं बिकेंगे। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद वहाज खामोश नहीं बैठेगा। Yes, you're right. जितना मैं उस वहाज को बर्बाद करना चाहती हूँ उतना ही वो दो कदम आगे बढ़ जाता है। You know, जिस बिल्डिंग में इस वक्त हम काम कर रहे हैं ना, उसका एक भी फ्लोर अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। वहाज को बार बार गिराने के बावजूद भी वो उस ऑफिस से हट नहीं रहा। इतनी मेहनत कर रहा है कि दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। And you know, मार्केट में उसका नाम बन चुका है। वो अपने बलबूते पर आके सब कुछ कर रहा है अकेले। ये मुझे समझ नहीं आ रहा। वो अफोर्ड कर सकता है, इसलिए तो रुका हुआ है। कैसे? How? हर कामयाब आदमी के पीछे तुम अच्छी तरह जानती हो, एक औरत होती है। औरत मतलब? एक बीवी जो होती है ना, वो अपने शौहर के टूटे हुए बटन से लेके टूटे हुए दिल को भी जोड़ना अच्छी तरह जानती है। और एक माँ जब उसे चॉइस दी जाती है कि वो अपने शौहर को चुने या अपनी औलाद को, वो चुनती तो अपने शौहर को है, लेकिन उसका दिल और उसका दिमाग अपनी औलाद के लिए धड़कता है। और वह आज तो खुशनसीब है, उसे एक अकलमंद बीवी मिली है और घर में उसकी ढाल के तौर पर उसकी माँ मौजूद है। बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तभी बड़ी मामा ऐसे घर में दिलेर बनकर घूम रही थी। पर I'm pretty sure बड़ी मामा, दादो और बड़े बाबा के बीच में कुछ ना कुछ तो हुआ है। कोई बात तो जरूर हुई हुई होगी, जरूर हुई होगी। माँ का तो तुम कुछ कर नहीं सकती। महक वहां मौजूद है, लेकिन उसके वहां होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक ही सूरत है, किसी तरीके से हम वहाज और उसकी बीवी के दिल में कुछ ऐसा पैदा करें कि उन दोनों के रास्ते अलग हो जाए। लेकिन तुम्हें कुछ ऐसा करना है कि वहाज का ध्यान तुम्हारी तरफ जाए ही नहीं। कैसे? नई नई शादी है, सब कुछ हंसी खुशी चल रहा है। इस दौरान अगर उनके बीच में थोड़ी सी गलतफहमी पैदा हो गई ना, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। आप ठीक कह रहे हैं, मगर वो शिफा धूम की तरह उसके पीछे पीछे घूमती रहती है। वो उसका पीछा छोड़ेगी तो मैं कुछ करूंगी ना डैड। एक चीज है जो इनकी मोहब्बत, वफादारी और खुलूस को चीथड़ों की तरह उड़ा सकती है। क्या? और वो है गलत फहमी।